मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। शैलेश को तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़े हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं अब हाल ही में एक्टर ने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने का कारण बताया। शैलेश ने दावा किया कि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने उनसे गलत तरीके से बात की थी, साथ ही उन्हें दूसरे शो का हिस्सा बनने पर उनकी बेइज्जती की थी। शैलेश ने यह भी दावा किया कि असित ने उनका बकाया पैसा रोककर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। एक बातचीत के दौरान शैलेश ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि यह मामला उनके आत्मसम्मान का था। शैलेश ने बताया कि 2022 में उन्हें एक सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर सब टीवी के एक स्टैंड अप शो गुड नाइट इंडिया में इनवाइट किया गया था, क्योंकि शैलेश को कवि के तौर पर पहचान मिली है, इसलिए वह शो का हिस्सा बनकर बहुत खुश थे। शैलेश ने कहा, मैंने इस शो की शूटिंग कर ली थी, वहाँ एक कविता भी सुनाई थी। शो के टेलीकास्ट होने के लिए एक दिन पहले तारक मेहता के प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि मैं उस शो में कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने मेरे लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह सभ्य नहीं थी। उनके इस बर्ताव पर मुझे गुस्सा आया। शैलेश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह किसी फिक्शन शो का हिस्सा नहीं थे और न ही किसी शो में किरदार निभा रहे थे। ऐसे में मेकर्स को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। शैलेश ने बताया, इससे पहले भी खराब भाषा के चलते उनमें और असित में बहस हुई। उन्होंने कहा कि एक बार प्रोड्यूसर ने शो में सभी का अपमान करते हुए शो के कलाकारों को नौकर बुलाया था। शैलेश ने कहा कि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। एक शो सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कई लोगों के एक साथ आने से बनता है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।